सोजो एंड शलोम में आपका फिर से स्वागत है। किसी भी नए काम की जिम्मेवारी देने से पहले ये पूछा जाता है कि इसे पूरा करने के लिए आपको क्या साधन चाहिए। फिर भी काम देने वाला वो सब साधन देता है ताकि काम समय पर ठीक ढंग से पूरा हो जाए। परमेश्वर हमें अपने जीवन में कामयाब या सक्सेसफुल होने के लिए सब जरूरी चीजें देते हैं, पर फिर भी हमें मौका देते हैं कि जो भी आवश्यक है हम मांग सकें। हमें अपने टास्क के लिए क्या चाहिए और हम उसे कैसे पा सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने लिया है दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली 7 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। क्या परमेश्वर पहले हमसे पूछते हैं हमारी चॉइस के बारे में? जब नोआ का आर्क जहाज या आर्क या जहाज बनाने के लिए कहा गया, नोआ को कहा गया, तो उसे कोई चॉइस नहीं थी, तो अपनी इच्छा का अधिकार कैसे होता है? चॉइस हमेशा दी जाती है। परमेश्वर ने जबरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं, ना कभी आज तक किया है। उत्पत्ति के अंदर आदमी और औरत को रखा उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन के अंदर। उस गार्डन के अंदर उन्होंने चॉइस दी, दो पेड़ हैं, एक पेड़ है जिसके फल से तुम ज्ञान प्राप्त करोगे अच्छे और बुरे का, दूसरा है जीवन का वृक्ष, अब तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। चॉइस थी, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो या अपने आप परमेश्वर बन जाओ। नोआ को उत्पत्ति के छठे अध्याय में हम देखें तो छठे अध्याय की 13 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। अब ये उनके लिए ऑप्शन है कि मैंने नष्ट कर देना सबको, अब तुम्हारे लिए टास्क ये है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। यह है 17वीं आयत। 18वीं आयत में लिखा है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपनों पुत्रों स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। अभी ऑप्शन है भाई, जहाज बना ले तो बच जाएगा, बाकी मैंने बर्बाद तो सबको करना ही करना है। बिल्कुल क्लियर ऑप्शन, इनकार करो मर जाओ, एक्सेप्ट करो जिंदा रहो, ऑप्शन क्लियर। हमारे जीवन के अंदर भी हमें ये ऑप्शन है कि हम पाप भरा जीवन जिएं और इस जीवन के अंदर आनंद मनाएं, 60, 70, 80, 100 साल आनंद मनाएं और उसके बाद में अनंत काल तक उस आग के अंदर चलें। ऑप्शन है हमारे पास, हम परमेश्वर के साथ जुड़ें या पाप के अंदर जुड़कर नरक में चले जाएं। चॉइस दी गई है। उत्पत्ति 12वें अध्याय के अंदर अब्राहम को बताया गया, तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ और बदलाव पाओ, बदलाव की जिंदगी में रहो। अब अब्राहम के पास ये चॉइस था कि वो जाए चाहे ना जाए।
किसी भी काम का जब आदेश दिया जाता है उसके बाद में ही जब हम उसको मानते हैं तभी आशीषें आती हैं। ऑप्शन मानने के बाद ही आशीष शुरू होती है। आदम के पास ऑप्शन थी, गार्डन ऑफ ईडन में रहे, ऐश करे, आराम करे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने ऑप्शन इनकार कर दिया, बाहर निकल जाओ, एंड ही वाज थ्रोन आउट। तो किसी भी ब्लेसिंग का हमारे जीवन में काम करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है, हमें किन चीजों की आवश्यकता है? यिर्मयाह 17:10 के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर बड़ा क्लियर लिखा गया है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन को जानता हूं और उसके चाल चलन के अनुसार मैं आशीष देता हूं। अब हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है? हमारे मन के अंदर परमेश्वर के साथ जोड़ने की बात चल रही है या उससे अलहदगी की बात चल रही है? पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसकी 30 आयत, इसलिए इसराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अगर हम परमेश्वर को ही तुच्छ जानेंगे तो वो हमें ऊपर उठाने से तो रहे, इट इज नेचुरल कि वो हमें ऊपर नहीं उठाएंगे और हम आशीष के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। अब एली प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट, जिसके पास शमूएल को छोड़ा गया है। एलाई के लिए ये आदेश था कि अब अच्छी तरह, नेचुरली हाई प्रीस्ट है तो उसको अच्छी तरह सेवा करनी है मंदिर के अंदर, लेकिन उसके बच्चे, उसके लड़के दुर्दता का काम कर रहे थे और उसके खिलाफ, उनके खिलाफ एलाई के पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन वो इग्नोर करता रहता है। तो दूसरा जो हमने ये पढ़ा था, पहला शमूएल 2:30, ये एलाई के लिए था, तुम मेरा आदर नहीं करते तो तुम्हें तुच्छ जाना जाएगा, और फिर उसको ये श्राप दिया जाता है कि तुम्हारा घराना नष्ट होगा। परमेश्वर हमें किसी भी आशीष देने से पहले हमारे एटीट्यूड को देखते हैं, हमारे एटीट्यूड क्या है, उनके तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है, क्या हम उनकी ओबीडियंस में चलना चाहते हैं, क्या हम उनको बड़ा स्थान देना चाहते हैं या हम अपने आप बड़ा स्थान लेना चाहते हैं। यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला कहता है, मैं, ये जरूरी है कि मैं घटूं और प्रभु यीशु बढ़े, मैं उनको उस, वो जानता है कि मैं सिर्फ उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ कि मेरे पीछे मसीहा आ रहा है, मैं सिर्फ वो जो बिगल बजाने वाला मैं वही हूँ, मैं मसीहा नहीं हूँ। तो हम अपनी इम्पोर्टेंस कितनी करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती 6 के अंदर हमें प्रार्थना के बारे में बताया, लॉर्ड्स प्रेयर जिसे हम कहते हैं, उसमें साफ कहा गया है, तुम्हारा राज्य आए और तुम्हारी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर आपका राज्य और आपकी इच्छा, राज्य भी उसी का है, इच्छा भी उसी की है। जब हम उसके राज्य के सिटीजन बने हैं, उसके पुत्र कहलाने के, उसके बच्चे कहलाने के हक से, योहन्ना 1:12 के अनुसार, तो हमें उसके राज्य में उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। क्या हम उसकी इच्छा मानने को तैयार हैं? क्या हम उसकी इच्छा को पहला स्थान दे रहे हैं? पहला शमूएल 15:15 के अंदर 3-23 तक, सौल राजा था उस समय इज़राइल का, उसके बारे में लिखा गया है। सौल को आदेश मिलता है, तुम अमालकियों को हमला करो, उनके राजा समेत वहां जो कुछ भी है, जीव जंतु जानवर सबको नष्ट कर दो, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि वहां पर पाप का जीवन है, उस पाप के जीवन में से अगर ये कुछ भी लेके आएंगे तो इनके जीवन में वो पाप काम करेगा। अब सॉल ने क्या किया, पहले तो अमालकियों का जो राजा था उसे मारा ही नहीं, उसको पकड़ लिया, बंदी बना लिया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था सबको, देखो मैं इतना शक्तिशाली हूं, राजा मैंने बंदी बना लिया। दूसरा, जो अच्छे अच्छे जानवर थे वो पकड़ लिए, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, अच्छी अच्छी जो चीजें थी वो रख ली।
अब शमूएल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला कि तूने ये क्या गलत किया है। अब सौल राजा बताना चाहता है कि ये तो मैंने नहीं किया है, जो लोग सेना वाले उन्होंने कर दिया। अगर सेना राजा की बात नहीं मान रही है ये कैसे हो सकता है? तो शमूएल उसे बता देते हैं कि तुमने ये नहीं ठीक किया, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। राजा बना रहा उसके बाद में भी, लेकिन आशीष खत्म हो गई और दाऊद को उसके जगह पर राजा बना दिया गया। दूसरा क्रॉनिकल्स उसका पहला अध्याय 7वीं आयत के अंदर परमेश्वर सोलोमन से पूछते हैं कि उसके सपने में आकर सुलेमान तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो बताता है कि मैं एक तुच्छ इंसान हूं, मेरी उतनी बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धि या ज्ञान दो कि मैं आपके लोगों पर राज्य कर सकूं। और फिर 11-12 आयत में बताया गया परमेश्वर ने उसकी बात को सुन लिया, उसे मंजूर कर दिया और उसे वो बुद्धि और ज्ञान दिया गया और सोलोमन राजा संसार का सबसे बुद्धिमान राजा माना गया। अब उसने आशीष मांगी बुद्धि के लिए, किस लिए मांगी? ताकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर अच्छी तरह राज कर सके, जस्टिस के साथ, राइटियसनेस के साथ, धर्मी के बनकर राज्य कर सके। इंटेंशन क्या है और डिमांड क्या है, एटीट्यूड क्या है और किसको महिमा दी जा रही है, परमेश्वर ये देखते हैं और इसी पर ही हमारी आशीष निर्भर होती है। सोलोमन का मांगना और उसका उत्तर मिलने में क्या भेद है? वही जो मैंने अभी कहा था, एटीट्यूड क्या है। पहला क्रॉनिकल्स में 28वें अध्याय के अंदर, जो लास्ट 28-29 जो लास्ट चैप्टर्स हैं, पहली आयत के अंदर दोनों में दाऊद ने अपना राज्य समाप्त कर, दाऊद पता है कि अभी मेरा अंत समय आ गया है, तो अपना राज्य समाप्त करने के लिए वो इजरायलियों से बात करता है और मंदिर के लिए सबसे ऑफरिंग्स मांगता है और फिर वो अपनी तरफ से देता है जो उसने दिया है, 3000 शेकल्स, कुछ टन सोना हो जाता है ये, 6000 शेकल सिल्वर, सोना 3000 शेकल, 6000 शेकल सिल्वर वो देता है, टनों के हिसाब से सोना वो दान करता है और इसी प्रकार लोग देते हैं। दूसरे क्रॉनिकल्स में पहले अध्याय में 2-6 आयत के अंदर सोलोमन भी इज़राइल के लोगों से बात करता है और 6ठी आयत के अंदर फिर वो 1000 ऑफरिंग्स देता है, बलियां देता है और उसके बाद में फिर वो मांगता है, परमेश्वर उसके सामने आते हैं, खुश होते हैं परमेश्वर। निर्गमन के 3रे अध्याय की 2री आयत के अंदर मूसा से परमेश्वर पूछते हैं, मूसा वो झाड़ी जो नहीं जल रही है, जिस पर आग है, जल नहीं रही है, उसके सामने मूसा खड़ा है, तो परमेश्वर उससे पूछते तुम्हारे हाथ में क्या है? 17वीं आयत में वो बोलता मेरे हाथ में ये शेफर्ड का डंडा है। तो उस डंडे को ही परमेश्वर ब्लेस कर देते हैं कि अगले 40 साल तक उस डंडे के साथ ही वो अद्भुत करामातें करते रहता है। जेनेसिस उत्पत्ति 14वीं अध्याय के अंदर 20-23 आयत के अंदर अब्राहम उसके भतीजे लूत को 5 राजे पकड़ कर ले जाते हैं, अटैक होता है उस इलाके के अंदर, उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब्राहम जाता है 318 अपने नौकरों के साथ और 5 राजाओं पर जीत हासिल करके लूट को छुड़ा के लेके आता है और जो लूट का सामान है, जो कुछ भी उन्होंने लूटा हुआ था उस इलाके से, सब वापस लेके आता है। आने के बाद में वो मेल्किज़ेदेक को दशमांश देता है। 23वीं आयत में लिखा है जेनेसिस उत्पत्ति 14:23 में, उस लूट में से, उस लूट मार के माल में से अब्राहम कुछ भी नहीं लेता है। और फिर 15वें अध्याय की पहली ही आयत में परमेश्वर उसके सामने आते हैं और उसे बोलते हैं मैं तुम्हारा निज भाग बनूंगा, मैं तुम्हारा रिवॉर्ड हूं और मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। हम कुछ देके परमेश्वर को रिश्वत नहीं दे सकते, हम उसे ब्राइब नहीं कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा था 2 राजाओं में, एलिशा नबी के पास वो विधवा आती है तो उसके पास जो कुप्पी तेल की थी उसका तेल ही नहीं खत्म होता, वो बर्तनों में डालती जाती है। परमेश्वर की इसी प्रकार आशीष है, वो आती रहती, खत्म नहीं होती, सोर्स खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार पहला राजाओं के 17वें अध्याय के अंदर 10-16 तक एलिया नबी, एलाइजा नबी के बारे में लिखा गया है।
अलैया नबी को परमेश्वर कहते हैं कि तुम जाओ चेरित के झरने के पास, वहां तुम्हें कौए खाना खिलाएंगे। अब अकाल पड़ा हुआ है 3 साल के लिए इलाके के अंदर, झरना सूख जाता है, तब उसे वो बोलते हैं तुम जाओ अभी जारेपत की एक विडो मिलेगी तुम्हें, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब जारेपत में जाने के बाद वो विडो उसे मिलती है लकड़ियां चुनते हुए, वो उसे बोलता है मुझे थोड़ा पानी पिला। जो चीज बहुतायत में वो देनी बड़ी आसान लगती है, पानी बहुत है दे देती हूँ अभी, तब वो बोलता है एक छोटी सी रोटी भी मुझे बना के दे दे। आगे से वो बोलती है मेरे पास इतना ही आटा है कि मैं अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बनाऊं, एक लास्ट खाना और खा के हम मर जाएं। वो बोलता है मेरे लिए एक रोटी जरूर लेके आ। वो लेके आती है, आटा और तेल उसके घर के अंदर पूरे अकाल के दौरान खत्म नहीं होता है। तो हम परमेश्वर के सामने क्या लेके जाते हैं? मत्ती 14 के अंदर 14 से 17 आयत तक 5000 लोग वहां इकट्ठे हो रखे हैं और अंधेरा होने वाला है, तो लोग उससे चेले बोलते हैं प्रभु से कि आप इन्हें भेज दो ताकि ये कहीं जाके खाना खाएं। प्रभु कहते हैं आप ही खाना खिलाओ। तो वो बोलते हैं हमारे पास तो 5 बारले की रोटी और 2 मच्छी हैं। बोलते वही लेके आओ और 5 रोटी के साथ 5000 परिवारों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। अब मत्ती 15:8 के अंदर अगर हम देखें, 15:8 के अंदर फरीसियों के बारे में प्रभु कहते हैं, वो कहते हैं ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हम क्या मन से आदर कर रहे हैं परमेश्वर का, या कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से लिप सर्विस कर रहे हैं? परमेश्वर ये जानते हैं। तो सोलोमन मन से कर रहा था कि मैं अपने लोगों पर अच्छी तरह राज कर सकूं। जरूरी आशीष लेने के लिए वो मन है, किस एटीट्यूड से हम मांग रहे हैं, किस एटीट्यूड का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिर क्या हमारे बोलने से ही सब कुछ हो जाता है, तो फिर हमें कमी क्यों होती है? अफशियों का 3 अध्याय उसकी 20 आयत सबको पता है, परमेश्वर एबल है, वो कर सकता है कुछ भी। उसमें लिखा है गॉड हु इज एबल हमारे मांगने या सोचने से कहीं अधिक करने की उसकी क्षमता है, मांगने और सोचने से भी कहीं ज्यादा कर सकता है। वो किस प्रकार करता है? जो शक्ति हमारे अंदर काम करती है, शक्ति हमारे अंदर है पवित्र आत्मा परमेश्वर की, वो शक्ति हमें दी गई है, वो शक्ति के द्वारा काम होता है। लूका 10:19 के अंदर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें शक्ति देता हूं सांपों और बिच्छुओं का सिर कुचलने की। यूहन्ना 20:23 में कहते हैं मैं तुम्हें शक्ति देता हूं लोगों के पाप माफ करने की। मत्ती 18:18 में कहते हैं जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। 19 आयत में फिर वो कहते हैं 18:19 मत्ती 18:19 में जहां 2 जन एग्रीमेंट में कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। तो हमारे अंदर इतनी ज्यादा शक्ति दी गई है, जब हमारे अंदर इतनी शक्ति दी गई है तो क्या हम उस शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जरूरी वो है, पावर है हमारे अंदर पाप माफ करने की, 2 सहमति में कर दें वो सब कर सकते हैं हम, सांपों बिच्छुओं का सिर, मतलब ये नहीं सिर्फ जो ये सांप है, हमारी लड़ाई आत्मिक है, शैतानी ताकतों को हम हरा सकते हैं। तो उस प्रकार हम पाते हैं ये। तो फिर जब हमें ये सब अधिकार मिल गए हैं तब भी फिर हम परेशानी में क्यों रहते हैं, ये सब अधिकार मिलने के बावजूद? हमने नीति वचन के अंदर अगर हम 18:20-21 देखें, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के अंदर पावर है, हम क्या बोलते हैं, हम प्रेयर क्या करते हैं, हम मांगते क्या हैं। हमारी मांग तो है मटेरियल, मेरा घर दे दो, जितनी हमें कॉल्स आती हैं उन कॉल्स के अंदर मोस्टली ये होता है मेरे पर कर्जा चढ़ा हुआ है उसे उतरने का करो, मैंने ये गाड़ी खरीदनी उसे देने का करो, या मेरे बच्चे के लिए कुछ करो, यही प्रेयर है हमारी, मटेरियल ब्लेसिंग हम मांग रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 6:31-33 वो कहते हैं पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्मी उसकी राइटियसनेस को ढूंढो।
बसीलिया है वहां पर ग्रीक शब्द जिसका मतलब है किंगडम. किंगडम का जो वहां एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो जिस चीज पर राज्य करता है परमेश्वर हमारे अंदर किस चीज पर राज्य करता है, हमारे दिलों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर. और जो धर्मी है, राइटियसनेस है, वो है डिकायोस होना. इसका मतलब है परमेश्वर का जुडिशियल अप्रूवल. जैसे कोर्ट के अंदर से अप्रूवल हो गया, आपकी प्रमोशन हो गई, इसका मतलब वो है. तो प्रभु यीशु कहते हैं पहले उसका राज्य और उसकी जुडिशियल अप्रूवल को ढूंढो. हमारे मन के अंदर जो चल रहा है पहले उसके लिए उसकी जुडिशियल अप्रूवल ढूंढो, फिर जो तुम मांग रहे हो सब हो जाएगा. इंटेंशन ढूंढो, क्या हम उसका काम करने के लिए मांग रहे हैं या अपने लिए मांग रहे हैं. कंप्लेंट्स तो हमारे पास यही रहती हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं रोज, मैं हर संडे को जाता हूं चर्च के अंदर, मैं फास्टिंग भी करता हूं, लेकिन आशीष नहीं आती है. क्या हम परमेश्वर को व्रत रखकर खुश रख सकते हैं? सब कुछ उसी का है, ये जीवन उसी का है. आज हम सांस ले रहे हैं, कल को सांस लें, अगला सांस आएगा या नहीं आएगा क्या हमारी गारंटी है? परमेश्वर की आशीष के कारण ही हम हैं ये. लुका 10 की 42 के अंदर दो बहनें हैं प्रभु यीशु के पास, मार्था और मेरी, लाजरस जिसे मुर्दा से जिंदा किया गया, तो उसकी दोनों बहनें हैं. अब मार्था भाग रही है किचन के अंदर सब कुछ बंदोबस्त करने के लिए, मेरी प्रभु यीशु के चरणों में बैठी उसके वचनों को सुन रही है. मार्था के कंप्लेंट करती है, प्रभु आपको पता नहीं इसको भेजते क्यों नहीं आप मेरी मदद करें. प्रभु कहते हैं 42 आयत के अंदर, मेरी ने वो चुन लिया है जो इसे लिया नहीं जा सकता है और वही उसके लिए अच्छा है. हमारे लिए अच्छा है परमेश्वर के राज्य के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना, उसकी इच्छा के अनुसार काम करना, उसकी इच्छा के अनुसार दूसरों को भला भी हो वैसी चीजें मांगना, फिर वो उत्तर मिलेगा, फिर वो देगा, फिर वो आशीष भी आएगी. मान लें कि अगर प्रभु यीशु अभी इसी समय हमारे सामने आ जाए और पूछे कि आप क्या चाहते हो, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था एक्चुअली, आपने ये मुझसे पूछ लिया. क्या हम ये सोचना चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे चाहते हैं, दो कमांडमेंट्स उन्होंने दिए, अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी शक्ति के साथ, पूरे दिल के साथ प्यार करो और अपने नेबर से भी उतना ही प्यार करो. दो ही चीज़ें वो ये चाहते हैं. तो हमारे इतने ड्रीम्स हैं, इतने सपने हैं, इतनी विजन्स हैं, मेरे बच्चों को ये हो, मैं ये करूं, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए करना चाहता हूं. हम ये कहते हैं. मुझे बहुत कॉल्स आती हैं कुछ एक परमेश्वर के संतों की भी कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे नए रास्ते खुलें, चर्च बनाने के लिए पैसे आ जाएं. ये सब हम करना चाहते हैं. इज़ेकियल का 33वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में सवाल है, तो फिर हम जिए कैसे? हाउ शुड वी देन लिव? हाउ शुड वी लिव? हम कैसे जिए? हम जिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके मुताबिक. योहन्ना 21 के अंदर 17वीं आयत के अंदर पत्रस का जवाब है. पत्रस ने प्रभु यीशु को इनकार कर दिया था. अब वहां पर 3 बार प्रभु यीशु उससे पूछते हैं, पत्रस क्या तुम मुझसे इन सब से ज्यादा प्यार करता है? तीसरी बार पूछने पर वो कह देता है, प्रभु यीशु आप सब कुछ जानते हैं. वो सब कुछ जानते हैं. उन्होंने हमें भेजा है इस धरती पर अपनी एक प्लान के अनुसार. हमें एक टास्क दिया गया है, हम उस टास्क को करने की कोशिश करें. जब हम अपनी इच्छा को उनकी इच्छा के अधीन कर देंगे तो हमें फिर वो टास्क भी पता चलेगा, फिर हमें वो सब कुछ दिखाई भी देने लग जाएगा, साधन कहाँ पर हैं, कैसे हैं. यशाया 45:2 में है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करते हुए, और मैं पीतल के दरवाजे तोड़ दूंगा और लोहे की छड़ों को तोड़. पीतल के दरवाजे जो हमारे आगे बंद हैं, लोहे की छड़े हैं जो हमें रोक रही हैं. हमारे सब बंधन तोड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार उसके सामने चलते हैं. हमारी रोज की प्रार्थना ये होनी चाहिए,
परमेश्वर मुझे सिखाइए कि आज आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट मी टू बी टुडे, मैं आज क्या कर सकता हूं आपके लिए, मुझे वो आशीष बताइए, मुझे वो रास्ता बताइए। फिर हम उसका, परमेश्वर का रास्ता ढूंढें, उसके रास्ते पर चलने में आगे बढ़ें, फिर उसकी शक्ति हमें मिलेगी पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उस रास्ते पर चलने के लिए, फिर उन्हीं की गाइडेंस मिलेगी, वो हाथ पकड़कर चलाएंगे फिर हमें उस रास्ते के ऊपर। फिलिपियों की 2:13 के अंदर ये लिखा गया है, ही वर्क्स इन अस, परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं, टू विल एंड टू डू, हमारे अंदर काम करते हैं ताकि हमारे अंदर उनका काम करने की इच्छा जागे और उसे पूरा करने की क्षमता भी हम मिले। और ये सब होता है फॉर हिज गुड पर्पस, ताकि उनका जो पूरा हमारे लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए जो उनकी प्लान है वो पूरी हो। पर्पस वही है, हम मांगे उनसे, प्रभु यीशु मुझे इस्तेमाल कीजिए कि मैं वो सब कर सकूं जो आप मुझसे चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, कितनी आशीष है प्रभु यीशु आपकी हमारे ऊपर कि आपने अपने लहू के द्वारा हमारे सब पापों का अंत कर दिया है। कितनी आशीषें, कितनी शक्ति हमें दी है प्रभु यीशु आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा कि हम लोगों के पाप माफ कर सकें, अंधेरे से रोशनी में उन्हें लाने में उनकी सहायता कर सकें। प्यारे प्रभु, हमें दिखाइए वो रास्ता ताकि उस पर हम चल सकें जिससे आपकी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी हो। प्रभु यीशु, जितने लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, उन्हें दिखाइए रास्ता, वो जीत का रास्ता जो सलीब से हमारी तरफ आया है, और इस रास्ते पर चलकर हम प्रभु यीशु आपके सिंहासन के सामने स्वर्ग में आपके सामने खड़े होकर उन सब आशीषों को पा सकें। प्रभु यीशु, धन्यवाद है कि आपने हमें ये इतनी बड़ी आशीष दी है। पिता परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं उनके ऊपर आपकी रहमत की वर्षा होती रहे। पिता, हम ये सब कुछ मांगते और ग्रहण करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अपोस्टल पॉल को बताया गया कि उन्हें परमेश्वर के काम के लिए कितनी मुसीबतें और मुश्किलें झेलनी हैं, पर फिर भी वो बिना किसी डर के जिए और कह सके कि मैंने अपनी रेस पूरी की है। क्या हम भी किसी दिन ये कह सकेंगे, आज या इस हफ्ते या अगले महीने, कि मैंने भी अपनी दौड़ ठीक से दौड़ी है? विचार कीजिए और प्रभु यीशु की आशीषों में बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपके ईमेल्स और कॉल्स के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेबसाइट पे भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं, हमें सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप ये सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन शालोम।